गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर में और भी जितनी भी क्रियाएँ होने वाली हैं, जैसे निषेचन की क्रिया है या और जो भी क्रियाएँ होने वाली हैं, तो उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज शुरू करते हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको बताने से पहले थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें ये फिगर आ जाएगा तो हमें ऑटोमेटिक वो सब लिख लेंगे। देखिए ये है बीजांड की संरचना, और ये कौन सा बीजांड है? एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है। कौन सा है? एनाट्रोपस। बीजांड भी कई प्रकार के होते हैं, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्पीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, इस प्रकार से बहुत टाइप के जो होते हैं, 7-8 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं जो बीजांड आपके। तो इसमें हम पढ़ेंगे एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड। ठीक, क्यों पढ़ेंगे इसको? क्योंकि संसार में 80% पौधों में, इस संसार में जितने भी पौधे हैं उनमें 80% पौधों में यही एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड ही पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, एनाट्रोपस। देखिए इसको चित्र देख लेते हैं। देखिए ये बीजांड है, ये क्या है? बीजांड व्रंथ है। क्योंकि हर किसी चीज़ का, जिसको हम लोग डंठल बोलते हैं, जैसे कोई फल लगा होता है या कोई फूल लगा होता है तो उसके नीचे डंठल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्रंथ। उसी प्रकार से बीजांड का भी एक व्रंथ है, जिसको क्या बोलेंगे? बीजांड व्रंथ। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फ्यूनिकल। अगला इसमें देखिए, ये एक पट्टी जैसी दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं सम्मान बंडल। इंग्लिश में से कहते हैं वैस्कुलर बंडल, इसे शॉर्ट में लिख दिया वैस्कुलर बंडल, VB लिख दिया। ठीक, तो ये वैस्कुलर बंडल है, सम्मान बंडल, क्योंकि इसमें इसको भोजन और जल दोनों की आवश्यकता होगी, तो इसको सम्मान बंडल के द्वारा इसे प्राप्त हो पाएगा। अगला आता है, यहाँ पर जितनी भी ये सब कोशिकाएँ देख रहे हैं आप, जितनी भी ये पूरी कोशिकाएँ देख रहे हैं, ये सब कोशिकाएँ भरी हुई हैं, तो इसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। इंग्लिश में से बोलते हैं न्यू सेलस। क्या बोलते हैं? न्यू सेलस। ये सब मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? मृदुतक कोशिकाएं, पेरेनकाइमेटस सेल्स। अब पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या होता है? मैंने 9th में इसका वीडियो बनाया है, तो आप इसको चाहे तो इसको 9th की प्लेलिस्ट में जाकर इसको ऊतक के देख सकते हैं कि मृदुतक क्या होता है। फिर यहां पर एक भाग देख रहे हैं, ऊपर का ये भाग है, इसको बोलते हैं चलाजा, निभाग। हिंदी में क्या बोलते हैं? निभाग, चलाजा बोलते हैं। ठीक, फिर ये जो बीजांड होता है एक या दो आवरणों से ढका रहता है, इन आवरणों को बोलते हैं इंटुगमेंट। यहां पे नहीं लिखा गया है, इसको लिख देते हैं। ये जो आवरण होते हैं इनको बोलते हैं अध्यावरण। ठीक, इंग्लिश बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इसको? इंट्यूगमेंट। ठीक, तो ये हमारा अध्यावरण हो गया। ठीक, अब ये एक या दो आवरणों से ढका रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। ठीक, अब इसके मध्य में एक थैली जैसी संरचना, एक गोल आकार की संरचना देख रहे हैं। ठीक, जो बिल्कुल रिक्त स्थान जैसी है, और यहां पर देख रहे हैं आप कि यहां पर अध्यावरण नहीं है, यहां पर अध्यावरण नहीं है। तो जहां पर अध्यावरण नहीं है इसको बोलेंगे बीजांड द्वार। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। इसे क्या कहते हैं? यहां पर अध्यावरण नहीं होते हैं। इसके मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है, ठीक, जिसको बोलते हैं भ्रूण कोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। यहां पर लिखा है भ्रूण कोष, ठीक, एक आता है भ्रूण कोष। ठीक, तो ये है हमारा भ्रूण कोष, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और इसमें क्या क्या है? इसमें 7 संरचनाएं दिखाई दे रही है। देखिए 3 ये, 1 ये 4, और 4 और 2 यहां पर 6, और बीच में एक बड़ी 7। तो इस प्रकार से इसमें 7 संरचनाएं होती है। ऊपर की जोर जो निभाग होता है, निभाग की ओर क्या है? 3 प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। और जो यहां पर एन लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या होता है कि ये अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। ठीक, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अर्थात जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया एन। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रतिमुख कोशिकाएं
जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं। ठीक, जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती है कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। जहां पर एन लिखा हुआ है वो सब अगुणित हैं, और जहां पर टू एन लिखा हुआ है वो सब द्विगुणित हैं। ठीक, तो अब बीच में ये क्या है, बड़ा एक केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। ये कैसा है, 2n, अर्थात इसमें गुणसंख्या कैसी है, दोगुनी है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, इसके बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर एक सबसे बड़ी क्या होती है, मादा युग्मक होती है। कैसी होती है, अगुणित होती है, और इसके साथ में दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ये भी कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। तो ये हमारा हो गया चित्र, हो गया इसको देख लिया हमने, अब हमको यही लिखना है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये थोड़ा सा यहां पर है, इसको स्पेलिंग सही कर लेंगे। ठीक, अगर यहां पर सही ना दिखाई दे तो यहां पर ये लिखा हुआ है, आप इसको यहां से देख के लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीजांड की संरचना, इसको लिखेंगे कैसे। आवृत बीजी पौधों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण द्वारा है, अर्थात फल के अंदर बंद रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पौधे बोलते हैं। आवृत बीजी अर्थात ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण पाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी पौधों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। कैसा बीजांड पाया जाता है, एनाट्रोपस। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आवृत बीजी पौधों में कैसा बीजांड पाया जाता है, तो एनाट्रोपस। आपसे पूछा जा सकता है कि संसार में सबसे ज्यादा कौन सा बीजांड पाया जाता है, तो एनाट्रोपस 80% पौधों में पाया जाता है। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा रहता है। देखिए यहां पर जो क्या होता है, यहां पर होता है बीजांडासन। क्या होता है, यहां पर बीजांडासन होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं थैलमस। ठीक, तो यहां पर बीजांडासन होता है, बीजांडासन से जो ये बीजांड है आपका, बीजांडासन से बीजांड जो है वो किसके द्वारा जुड़ा रहेगा, बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा रहेगा, अर्थात फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा रहता है। अब संपूर्ण बीजांड में मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जितना भी ये बीजांड है इसमें कौन सी कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं हैं, पेरेनकाइमेटस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, जिसे बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक या दो अध्यावरणों से ढका रहता है। ठीक, तो जो बीजांड है वो कितने, एक या दो अध्यावरणों से ढका रहता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटुगमेंट। ठीक, अध्यावरणों से ढका रहता है। जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं, मतलब यहां से स्थान, जिस स्थान से अध्यावरण, यहां मतलब ये स्थान होता है जहां से अध्यावरण निकलते हैं, तो इस स्थान को क्या बोलते हैं, निभाग अर्थात चलाजा कहते हैं। बीजांड के मध्य में, हाँ एक सेकेंड, क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। और जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होते हैं, जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक, और बीजांड के मध्य में, ठीक, बीजांड के मध्य में एक गोल संरचना होती है, बीजांड के मध्य में एक गोल थैली जैसी संरचना होती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, इम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में 7 संरचनाएं होती हैं, कितनी, 7 संरचनाएं होती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी, जिनमें से निभाग की ओर, निभाग कहाँ, ये देखिए निभाग की ओर क्या है, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। ठीक, मध्य में एक बड़ा द्वितीयक केंद्रक, मध्य में क्या है, बड़ा द्वितीयक केंद्रक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तथा बीजांड द्वार की ओर, ये देखिए ये क्या है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की ओर 2 सहायक कोशिकाएं, 2 सिनर्जिड सेल्स, और एक बड़ी मादा युग्मक होती है। तो ये हो गया आपका संरचना। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हमने तो बता दिया इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे, तो देखिए नंबर एक पर इसको लिखेंगे कि बीजांड व्रंत क्या है, कहां से क्या जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर नंबर 2 इसको लिखेंगे, फिर नंबर 3 लिखेंगे अध्यावरण को, नंबर 3 किसको लिखेंगे, अध्यावरण को। नंबर 4 पर क्या लिखेंगे, निभाग, चला जा। ठीक, नंबर 5 क्या होगा हमारा, भ्रूण कोश। ठीक, और फिर इसके अंदर की सारी संरचनाएं हम लिख देंगे। तो ये हमारे 5 पॉइंट जहां से हमको शुरू करना है, नंबर 1 पॉइंट से शुरू करना है। सबसे पहले तो हमें ये बता देना है कि कौन सा बीजांड है ये, तो एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है, इसकी संरचना है ये।
ठीक, आवृतबीजी पौधों में यही पाया जाता है। अब शुरुआत कहां से करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक बीजांड, ये क्या है हमारा बीजांड है, प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से, यहां पर क्या होगा हमारा बीजांडासन होगा, प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से बीजांड व्रंथ द्वारा जुड़ा होता है। पहला पॉइंट हमारा लिख गया, प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से बीजांड व्रंथ द्वारा जुड़ा होता है, हमने बीजांड व्रंथ को बता दिया, बात खत्म हमारी। अब इसमें भी बता देते हैं कि इसमें संवहन बंडल उपस्थित होता है, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, प्रत्येक जो बीजांड होता है, बीजांड मृदुतक कोशिकाओं से भरा होता है, मृदुतक कोशिकाएं, बीजांड में मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, इसको बीजांड को क्या बोलते हैं, बीजांड काय या न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, बीजांड में बीजांड, बीजांड जो होता है मृदुतक कोशिकाओं से भरा होता है, क्या बोलेंगे, बीजांड मृदुतक कोशिकाओं से भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस बोलते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट लिख गया। अब तीसरा आता है, ठीक, तीसरा क्या है, अध्यावरण। अब अध्यावरण बताएंगे, प्रत्येक बीजांड पर, प्रत्येक बीजांड पर एक या दो अध्यावरण होते हैं, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, प्रत्येक बीजांड पर एक या दो अध्यावरण होते हैं। ठीक, यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं, जिस स्थान से मतलब जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निभाग, चलाजा कहते हैं, हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा, बीजांड के मध्य में एक थैली जैसी संरचना, क्या बताएंगे, भ्रूणकोश बताएंगे, क्या बताएंगे इसके विषय में, कि बीजांड के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं, हमारा हो गया एम्ब्रियो सैक लिख गया। अब इसमें बताएंगे कि सात संरचनाएं होती है भ्रूणकोश में, निम्नलिखित सात संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी, ऊपर की ओर निभाग की ओर, देखिए निभाग है, निभाग की ओर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं, मध्य में एक बड़ा द्वितीयक केंद्रक, और बीजांड द्वार की ओर दो सहायक कोशिकाएं, और एक मध्य में बड़ी मादा युग्मक होती है, आपका पूरा का पूरा बीजांड लिख गया। ठीक, तो ये हमें ऐसे बीजांड को याद रखना है कि कैसे में लिखना है, इसका फिगर आप बना लेंगे तो आपको ये सब याद करना नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें, ये जो बीजांड होता है, ये बीजांड उल्टा बना होता है, देखिए ये बीजांड उल्टा क्यों होता है, देखिए जैसे कोई भी चीज, जैसे फल है, तो जब फल छोटा होता है तो इतना बड़ा लगता है और ऐसा सीधे लगता है, किसी भी शाखा पर जो है फल एकदम सीधे लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है, उसका भार बढ़ता है, तो क्या होता है, वो फिर ऐसे लटक जाता है, मतलब जो इसका ऊपर का हिस्सा था वो किधर आ गया, इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो किधर आ गया, नीचे की ओर आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वजन हो गया था, इसमें इतना ज्यादा वजन हो गया था। तो ये जो एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है, होता तो ऐसे है, लेकिन अपने वजन के कारण ये ऐसे झुक जाता है। तो ये बीजांड द्वार जो होता है वो यहां पर होता है, मतलब जब ये सीधा होगा तो कैसा होगा, तो ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये बीजांड द्वार ऊपर की ओर हो जाएगा, निभाग नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो बीजांड होता है ये उल्टा हो जाता है, उल्टा होता नहीं बल्कि उल्टा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका भार अधिक हो जाता है, जिस कारण से ये उल्टा हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये बीजांड का, बीजांड की जो संरचना है, ये आपका टॉपिक समझ में आया होगा, आप इसका फिगर बनाइए, इसको लिखिए, कोशिश करिए, और आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।